विवाद है कि थानों के रेट फिक्स करने वाले ट्वीट पर गृह मंत्री बाला बच्चन का पलटवार। कहा यह शिवराज सिंह चौहान की बौखलाहट है। सत्ता से बाहर होने के बाद लगातार इस तरह के बयान दे रहे शिवराज, कानून से ऊपर कोई नहीं, कितना भी बड़ा अपराधी हो कानून उस पर अपना शिकंजा कसेगा। मेरे जिले में जो घटना कर डाली थी, भाजपा के ही मंडल अध्यक्ष का मर्डर कर दिया था, वो भाजपा के ही लोग थे। कम से कम भाजपा के कार्यकर्ता और उनके नेता तो कानून को हाथ में लेने का काम न करे। आज तक शिवराज सिंह जी ने मेरी इन बातों का जवाब नहीं दिया है। मध्य प्रदेश में हमारे पास जो पिछला जो सत्र गया है, हमने उस सत्र में सभी प्रश्नों का जवाब दिया है और सब तरह के अपराधों में कमी आई है, नियंत्रण हुआ है सभी तरह के अपराधों में। तो ये उसकी बौखलाहट है और सरकार से सत्ता से बाहर होने के कारण वो आज तक उस हार को वो पचा नहीं पा रहे, उसको हजम नहीं कर पा रहे, इसलिए बौखलाहट में इस तरह की बयानबाजी करते हैं। पीसीसी चीफ को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया की दावेदारी पर कहा, सिंधिया ने नहीं की कोई दावेदारी। वो पार्टी के सीनियर लीडर सीएम कमलनाथ से संपर्क में है सिंधिया। नहीं ठीक, जो बैटर होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी डिसीजन होगा, देखिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही प्रदेश अध्यक्ष का काम है, प्रदेश अध्यक्ष वो खुद ही है, और जो भी डिसाइड होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बनकर आएगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष में एक सामंजस्य और समन्वय वाला निर्णय वो होगा। खुद की दावेदारी पर बोले मंत्री बच्चन, मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता, पार्टी जो तय करेगी उसे मानकर करूंगा काम। अभी तक मुझसे कोई राय या मुझसे कोई डिस्कशन नहीं हुआ है और मैं समझता हूं कि राय लेने की वैसी जरूरत भी नहीं है। जो पार्टी का आदेश जो मिलेगा, पार्टी का जो डिसीजन होगा, मैं तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, उस कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश का मैं पालन करने वाला हूं। क्या बनना चाहते हैं?